कि आपका फिश टैंक के नीचे बैठा हुआ है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आपका फिश क्यों टैंक के नीचे बैठा हुआ है, उसका रीज़न क्या है और इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आपका फिश टैंक के नीचे क्यों बैठा हुआ है, तो इसका बहुत सारे रीज़न है। तो आपने जो नया फिश खरीद के लाया है एक्वेरियम शॉप से, तो शायद वो फिश बीमार है, आपने बीमार फिश ही खरीद के लाया हुआ है, तो इसीलिए वो फिश आपका टैंक के नीचे बैठा हुआ है। या तो आपके एक्वेरियम में फिश ऐड करने के 2-3 दिन या तो 1 हफ्ते के बाद अगर आप देखेंगे कि फिश टैंक के नीचे बैठा हुआ है, तो उसका एक रीज़न तो हो सकता है वो बीमार पहले से ही था, इसीलिए वो टैंक में बैठ गया है, टैंक के नीचे बैठ गया है। या तो उसको एक टेम्परेचर शॉक लगा है, तो जब आपने फ़िश को ऐड किया तो आपने फ़िश को एक्लिमेट नहीं किया, डायरेक्ट फ़िश को ऐड कर दिया टैंक में, तो इसके लिए उसे एक टेम्परेचर शॉक लगा है। एक्वेरियम शॉप का जो पानी का टेम्परेचर था और आपके एग्जिस्टिंग एक्वेरियम का जो पानी का टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस था, तो उसे एक टेम्परेचर शॉक लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फ़िश को एक्लिमेट करना चाहिए। आप पैकेट जो लाते हैं फ़िश का, पैकेट जो एक्वेरियम सबसे खरीद के लाते हैं, तो उसे पहले आपके एक्वेरियम में फ्लोट करा दीजिए 20 मिनट तक, ताकि आपका एक्वेरियम का जो पानी है उसके साथ आपका फ़िश का जो फ़िश आप खरीद के लेके आए हैं शॉप से उसका टेम्परेचर मैच हो जाए, एडजस्ट हो जाए, उसके बाद आप फ़िश ऐड कीजिए। नहीं तो फ़िश को एक टेम्परेचर शॉक लग सकता है और वो बीमार पड़ सकता है और टैंक के नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, और बहुत सारा नया हॉबीज ये भी करता है कि फ़िश एक्वेरियम शॉप से लाते हैं और डायरेक्ट एक्वेरियम का जो पानी है, एक्वेरियम शॉप का जो पानी है, वो शॉप के पानी के साथ फ़िश को अपने एग्जिस्टिंग एक्वेरियम में ऐड कर देता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ फ़िश ऐड करना है, एक्वेरियम का पानी आपके एक्वेरियम शॉप का जो पानी है वो आपको ऐड नहीं करना है आपके एक्वेरियम में। ठीक है, क्योंकि एक्वेरियम शॉप का जो पानी है उस पानी में बहुत सारे इशूज़ रह सकते हैं, उसमें बहुत सारे डिजीज़ रह सकते हैं, बहुत सारे फ़िश उस एक्वेरियम शॉप में रहता है एक ही टैंक में, तो बहुत सारे डिजीज़ रह सकते हैं, तो इसीलिए सिर्फ फ़िश ऐड कीजिए, आप एक्वेरियम पानी कभी भी ऐड मत कीजिए आपके एग्जिस्टिंग टैंक में। तो इसमें क्या होगा, अगर जो फ़िश आप खरीद के लाए हैं वो फ़िश अगर बीमार है या तो जो पानी एक्वेरियम शॉप का है उसमें अगर कोई इश्यूज़ है, तो आपका एग्जिस्टिंग जो भी फ़िश है आपके एक्वेरियम में, तो वो फ़िश भी बीमार पड़ जाएगा और वो भी मर जाएगा। तो सिर्फ फ़िश ऐड कीजिए, एक्वेरियम के पानी आप फेंक दीजिए, या तो अगर आपके पास कोई पौधा है, प्लांट्स है, छोटा सा गार्डन है, टब है, गमला है, जो भी है उसमें आप ऐड कीजिए, वो प्लांट्स के लिए पौधे के लिए अच्छा है, पर एक्वेरियम में आप ऐड मत कीजिए। बहुत सारा नया ऑफिस ये भी करता है कि जो नया टैंक है और नया टैंक को ठीक तरह से साइकिलिंग नहीं करता है। ठीक है, को नया जो फिश लेके आता है डायरेक्ट वो टैंक में ऐड कर देता है, नया टैंक लेके आया, पानी ऐड किया, डेकोरेटिव जो भी आइटम है वो ऐड किया, ग्रेवल्स ऐड किया और डायरेक्ट फ़िश को ऐड कर देता है। तो इससे भी फ़िश बीमार पड़ सकता है और टैंक के नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले टैंक लेके आना है, उस टैंक को 2-3 हफ्ते तक आप साइक्लिंग कीजिए, हीटर ऑन कीजिए, आपका फ़िल्टर ऑन कीजिए, जो भी डेकोरेटिव आइटम आप देना चाहते हो उससे टैंक को डेकोरेट कर लीजिए और 3 हफ्ते तक, 2-3 हफ्ते तक पूरा टैंक को साइकिल कीजिए। ठीक है, उसके बाद 3-4 हफ्ते के बाद आप जाके नया फिश लेके आइए, फिश को एक्लिमेट कीजिए आपके टैंक के पानी के साथ, उसके बाद फ़िश ऐड कीजिए। ठीक है, ये साइकिलिंग ना होने के वजह से भी कभी कभार फ़िश नीचे बैठ जाता है और बीमार पड़ता है। तो एक्वेरियम साइकिलिंग करने का एडवांटेजेस क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप एक्वेरियम को साइकिलिंग करेंगे तो इसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा जो कि फ़िश के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इसीलिए एक्वेरियम को साइकिलिंग करना चाहिए, उसके बाद ही फ़िश को ऐड करना चाहिए। कभी कभी ये भी देखा गया है कि आपके पास अगर कोई कम्युनिटी टैंक है, ठीक है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट फिशेस हैं, तो अगर एक फ़िश दूसरे फिश को चेस कर रहा है तो जो फिश वीक है उसे अगर चेस कर रहा है तो वो फिश डर जाएगा, वो जाके फिल्टर के पास या तो कोई डेकोरेटिव आइटम्स के पास या तो टैंक के नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है कि अगर कोई फिश दूसरे फिश को चेस कर रहा है वो डर के मारे जाके एक जगह बैठ जाएगा टैंक के नीचे।
और जब आप वाटर चेंज करते हैं तब भी ये देखा जाता है कि वाटर चेंज करने के एक दिन या दो दिन बाद फिश जाके टैंक के नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि उसे एक टेम्परेचर शॉक लगता है, क्योंकि आपके एक्वेरियम में जो पानी है और आपने जो नया वाला पानी ऐड किया है तो उसमें टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस था। तो जब भी आप वाटर चेंज करेंगे तो आप देख लेना जो वाटर आपने स्टोर करके रखा हुआ है उस वाटर का टेम्परेचर और आपका एक्वेरियम का जो पानी है उसका टेम्परेचर सेम होना चाहिए, लगभग सेम होना चाहिए। अगर एक्वेरियम के जो पानी है उसके साथ आपका नया वाला जो पानी है उसका टेम्परेचर में अगर 5-6 डिग्री का डिफरेंस है तो आप वो पानी ऐड मत कीजिए, तो फिश को टेम्परेचर शॉक लगेगा। तो नया वाला जो पानी है उस नया वाले पानी को आप पहले एक्वेरियम के पानी के जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर तक लेके आइए, थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर लीजिए नया वाला पानी में और थर्मोमीटर से चेक करके देख लीजिए कि दोनों पानी सेम टेम्परेचर में है कि नहीं है, उसके बाद आप नया वाला पानी ऐड कीजिए। नहीं तो अगर 6-7 डिग्री या 5-6 डिग्री का अगर टेम्परेचर का डिफरेंस रह जाएगा तो फिश को टेम्परेचर शॉक लग सकता है और फिश नीचे बैठ जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके वजह से फिश टैंक के नीचे बैठ जाता है, वो है अगर आपका पानी गंदा है, अगर आपके पानी में बहुत सारा अमोनिया बिल्डअप हो गया है अनईटन फूड से या तो फिश के वेस्ट से ये अमोनिया बिल्डअप होता है, तो अगर आपके टैंक का पानी गंदा है बहुत सारा अमोनिया बिल्डअप हो गया है तो तब भी जाके फिश बीमार पड़ जाता है, टैंक के नीचे जाके बैठ जाता है। तो इसीलिए आपको हर हफ्ते या तो 15 दिन में एक बार आपको आपका एक्वेरियम का पानी चेंज करना चाहिए। बहुत ही अच्छा फिल्टर आपको यूज़ करना चाहिए, उसके साथ यूज़ करना चाहिए बहुत ही अच्छा फिल्ट्रेशन मीडिया में भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया पनपता है जो कि अमोनिया बिल्डअप को रोकता है। तो इसलिए हफ्ते पानी चेंज कीजिए या तो 15 दिन में एक बार पानी चेंज कीजिए, अमोनिया बिल्डअप को कम कीजिए, तब भी आपका फिश हेल्दी रहेगा और टैंक के नीचे जाके नहीं बैठेगा। कभी कभी ये भी देखा गया है कि अगर फिश खाना पचा नहीं पाता है, अगर ओवर फीडिंग आप कर देता है फिश को तो अगर वो ज़्यादा खा लेता है तो वो खाना पचा नहीं पाता है, उसका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, तब भी जाके फिश टैंक के नीचे बैठ जाता है। तो ये बहुत सारा कुछ रीजंस है जिसके वजह से फिश जाके आपके टैंक के नीचे बैठ जाता है। तो अभी हम बात करेंगे तो इसका रेमिडीज़ क्या है, इस प्रॉब्लम से आपका फिश को ठीक कैसे करेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन है ये सभी फिश के लिए लागू है, ठीक है, नहीं ना तो गोल्ड फिश के लिए ना तो फ्लारन के लिए, सभी फिश के लिए ये सॉल्यूशन लागू है। तो पहले ही कुछ मेडिसिन आप ऐड मत कर दीजिए, पहले आप देखिए फॉलो कीजिए कि किस वजह से आपका फिश नीचे जाके बैठा हुआ है और उसके बाद आप मेडिकेशन स्टार्ट कीजिए। तो अगर आपको बुखार है और आप डॉक्टर के पास चले गए तो अगर डॉक्टर आपको सर दर्द का मेडिसिन दे देता है या तो पेट दर्द का मेडिसिन दे देता है तो आपका बुखार तो ठीक नहीं होगा। तो वैसे ही फिश के लिए भी सेम है, पहले देखिए क्या प्रॉब्लम है उसके बाद आप मेडिकेशंस के लिए सोचिए। तो पहले ही जाके मेट्रोजिल मत डाल दीजिए, कोई एंटीज मत डाल दीजिए, ठीक है, कोई दूसरा जो भी मेडिसिन आपके पास है, ब्लू वाला मेडिसिन, ग्रीन मेडिसिन, कुछ भी मत डालिए, ठीक है। तो सबसे इजी तरीका जो है फिश को ठीक करने के लिए वो है आप जो आपका बीमार फिश है उसे आप टैंक से बाहर निकालिए, अलग से एक हॉस्पिटल टैंक लीजिए। तो आप जो हॉस्पिटल टैंक है उसमें आप आपके फिश को रखिए और उसके साथ उसमें ऐड कीजिए हीटर, 28 डिग्री से लेके 38 डिग्री तक आपका हीटर को सेट कीजिए। गर्मी से क्या होता है फिश का मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, ठीक है, तो आप हीटर ऐड कीजिए, उसके साथ आप ऐड कीजिए रॉक सॉल्ट और एक मेडिसिन आता है ट्रेसिल, और ट्रेसिल मेडिसिन आप ऐड कीजिए। ये ट्रेसिल मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल है फिश के लिए और फिश में जो ट्रेस है ना वो ट्रेस को दूर करता है, ठीक है। और एक हो सके तो एक एयरस्टोन ऐड कर दीजिएगा क्योंकि ऑक्सीजन फिश के लिए बहुत ही ज़रूरी है, पर एयरस्टोन का जो स्पीड है उसे थोड़ा कम रखिए क्योंकि ज़्यादा हलचल फिश को इस वक्त जब फिश बीमार रहता है तो पसंद नहीं है। बस ऑक्सीजन जो क्रिएट हो इस तरीके से आप सेट कीजिए ताकि बबल्स क्रिएट हो, ज़्यादा स्पीड में मत सेट कीजिए एयरस्टोन को। और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आप 2-3 दिन तक कंटिन्यू कीजिए, 30% वाटर हॉस्पिटल टैंक से चेंज कीजिए और थोड़ा रॉक सॉल्ट ऐड कीजिए और ये प्रोसेस आप 2-3 दिन तक कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद जब आप फिश रिकवर हो जाएगा आपका फिश, तब जाके आप फिश को आपके एग्जिस्टिंग टैंक में ऐड कीजिए। तो ये था कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना होगा कि आपका फिश क्यों टैंक के नीचे बैठ जाता है और उसके बाद आप
मेडिकेशन कीजिए, आपके फ़िश को देखिए और फिश को मेडिकेशन कीजिए, तो आपका फ़िश भी हेल्दी रहेगा और अगर आपका फ़िश भी हेल्दी है तो आप भी खुश रहेंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से हमने आपके लिए कुछ हेल्पफुल हुआ इस वीडियो। तो इसी आशा के साथ आज का वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।